हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वन टू टेक टिप्स। आज मैं आप बात करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ इंटेल के प्रोसेसर्स के बारे में। और जैसे कि इंटेल बहुत ही बढ़िया कंपनी है, आप सब लोग जानते ही हैं इंटेल से, इंटेल के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ, कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि हमें कि इंटेल i3 प्रोसेसर, i5 एंड i7 प्रोसेसर आखिर हैं क्या। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये मत सोचिए कि इंटेल i7, कई लोग सोचते हैं कि 7 कोर प्रोसेसर है, i5 5 कोर प्रोसेसर है, i3 3 कोर प्रोसेसर है। हालांकि ऐसा है नहीं। इंटेल जो i3 प्रोसेसर है वो एक ड्यूअल कोर प्रोसेसर है, उसमें 2 कोर्स हैं। और जो इंटेल i5 और i7 है वो क्वाड कोर प्रोसेसर हैं। हालांकि कई बार ये 2 कोर्स और 4 थ्रेड्स के भी होते हैं, वो वैरी करता है डिफरेंट मॉडल्स पे। तो आप जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, एक इंटेल i7 प्रोसेसर है वो बेटर होगा i5 प्रोसेसर से, और एक i5 प्रोसेसर है वो बेटर होगा i3 प्रोसेसर से। कॉमन सी बात है, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो इंटेल अपने नए चिपसेट्स वगैरह और अपने लॉन्च करता ही रहता है। तो कैसे पता लगाएं कि ये कौन सी जनरेशन का प्रोसेसर है, इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि इंटेल ने हमें अपने अभी अभी तो अपने इंटेल ने नए लॉन्च करे हैं स्काईलेक प्रोसेसर्स, इंटेल i5 6600 के और इंटेल i7 6700 के। ये तो हैं 6th जनरेशन प्रोसेसर्स। तो और पिछले जो प्रोसेसर थे, हैजवेल बेस्ड प्रोसेसर थे, वो इंटेल 5th जनरेशन प्रोसेसर थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, फिफ्थ जनरेशन प्रोसेसर है i3 5200। तो आप देख सकते हैं जो 5200 का 5 है ना, स्टार्टिंग का फर्स्ट, ये डिनोट करता है कि ये 5th जनरेशन प्रोसेसर है। ऐसे ही आप नए प्रोसेसर्स में भी देख सकते हैं, 6700 के में जो पहला 6 है वो डिनोट करता है कि वो क्या कहते हैं, 6th जनरेशन प्रोसेसर है। तो ऐसे आप 4th जनरेशन और 3rd जनरेशन प्रोसेसर का भी पता लगा सकते हैं। ऐसे हमें इनके मॉडल नंबर से पता चलता है कि ये कौन से जनरेशन के प्रोसेसर्स हैं, कौन से जनरेशन के प्रोसेसर्स हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना और एक और चीज़ चाहूँगा कि जो पुराने प्रोसेसर्स हैं 5th जनरेशन तक के, हैजवेल के, वो विंडोज़ 7 सपोर्ट करते हैं। पर एक प्रॉब्लम है कि जो नए से 6th जनरेशन प्रोसेसर्स हैं वो विंडोज़ 7 का यूज़ नहीं करेंगे। अब उनके लिए नए प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10, पर वो विंडोज़ 7 का यूज़ नहीं करेंगे। हालांकि मेरी इन्फॉर्मेशन जितनी है मैंने आपको बताया है। तो ये सब तो था कि कैसे हम प्रोसेसर को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो और मैं आपको बताना चाहूँगा, अब तो लास्ट बात आती है कि कंपैरिजन की। मैं आपको कंपेयर करने का एक तरीका बता सकता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि एक i3 प्रोसेसर है वो बेसिक यूजर्स के लिए है। जैसे कि जो लोग माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक वगैरह, पावर पॉइंट का काम करते हैं और एक्सेल वगैरह की वर्कशीट बनाते हैं या फिर वेब ब्राउजिंग कर लेते हैं, उन सब लोगों के लिए, नॉर्मल यूजर्स के लिए i3 प्रोसेसर्स बहुत बढ़िया हैं। और मैं बात करना चाहूँगा नेक्स्ट i5 प्रोसेसर्स की। i5 प्रोसेसर्स उन लोगों के लिए है, जैसे कि एडवांस लोगों के लिए, जो लोग प्राइस टू परफॉर्मेंस का रेशियो बहुत ज़्यादा देखते हैं, और वो उन लोगों के लिए गेमिंग और एज वेल एज मल्टीटास्किंग दोनों चीज़ मायने रखती है। तो उन लोगों के लिए i5 प्रोसेसर्स बहुत बढ़िया रहेगा। तो जहाँ तक की बात है i7 प्रोसेसर्स की, i7 प्रोसेसर्स है एक्सट्रीम यूजर्स के लिए, एक्सट्रीम लेवल के यूजर्स के लिए। एक्सट्रीम लेवल यूजर्स जैसे कहूँ मैं आपके लिए, मल्टीटास्किंग बहुत हैवी करते हैं और वह क्या कहते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं काफ़ी हाई लेवल की, तो उन लोगों के लिए i7 बहुत ही ज़रूरत। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कहाँ पर बैठता हूँ और मुझे कौन सा प्रोसेसर खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, मैं जेनॉन लेवल की बात नहीं करूँगा, वो जेनॉन्स तो हाई लेवल के प्रोसेसर्स हैं, वो काफ़ी अलग काम के लिए इस्तेमाल आते हैं। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा वो जो मैं आपको पहले कह रहा था कि आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आप एक वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.cpubos.com पे, जो कि मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। आप उसमें जाके अपने प्रोसेसर्स को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेसर किससे बढ़िया रहेगा और मेरे बजट के अंदर कौन सा प्रोसेसर बैठता है और मुझे कौन सा खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब था इंटेल के प्रोसेसर्स के बारे में। तो इससे आप जान सकेंगे कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कीजिए। और अगर आपके कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, नीचे वो लाल बटन है ज़रूर दबाइए। तो मैं ऐसे ही आपके लिए और इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में।